Hello student, today we will learn class 7 maths chapter number 2 fractions and decimals. This is our last video of this topic and now exercise 2.7 and question number 1 find आपको डिवाइड करना है 0.4 में डिवाइड 2 का करना है सेकेंड पार्ट आपका 0.35 में डिवाइड करना है 5 का तो कैसे करेंगे स्टूडेंट इसके लिए हम सॉल्व करेंगे इनको सॉल्यूशन में स्टूडेंट आपको इसमें डिवाइड करना है 0.4 में डिवाइडेड 2 का डिवाइड करना है किस तरीके से आप करोगे बाय 2 आपके पास सिंपली मैं इजी मेथड बताता हूं आपको दो मेथड है और कई मेथड है 2 का डिवाइड आपको 0.4 में रफ में कर सकते हो आप और डिवाइड करने का तरीका सीख लो स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखा है यहाँ एक डिजिट है तो डिवाइड में भी एक डिजिट से ही होता है आप लोग जानते हो बट 0 2 से छोटा है हम जो डिवाइड शुरू करते हैं स्टूडेंट तो जो टेबल पढ़ते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं 2 0 जा 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो आप देखोगे 2 0 जा शुरुआत 0 से होती है 2 0 जा 0 2 1 जा 2 यानी ज्यादा हो जाएगा अगर वन टाइम हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमें 2 का डिवाइड फर्स्ट 0 में करना है तो आप सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई ये करोगे डिवाइड 2 0 जा 0 आपका 0 माइनस 0 यानी कुछ नहीं बचा आपका 0 बचा अब स्टूडेंट यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है अब आप देख रहे हो पॉइंट है तो आप पॉइंट यहाँ यूज करोगे ये पॉइंट यहाँ लगा दिया अब आपका क्या बचा स्टूडेंट 4 ये नीचे उतर जाएगा स्टूडेंट 2 2 जा 4 और इस तरीके से आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये डिवाइड करना है सेम ये भी आपको अगेन स्टूडेंट सेकेंड पार्ट करते हैं 0.35 डिवाइडेड बाई 5 सॉल्यूशन करेंगे इसका 0.35 डिवाइडेड बाय 5 आप सिंपली इसका डिवाइड कर लोगे 0.35 स्टूडेंट आप देख रहे होंगे आप यहाँ 1 एक ही डिजिट है तो यहाँ 1 डिजिट से ही डिवाइड होता है और आप रूल ये जानते हो कि आपको 0 टाइम से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करना 5 0 जा 0 और 5 1 जा क्या 0 से ज्यादा हो जाएगा आपने 5 की टेबल पढ़नी है 0 से ज्यादा ना हो और स्टार्ट आप डिवाइड जो टेबल पढ़ना करोगे 0 से 5 0 फिर 5 1 जा फिर 5 2 जा ये ध्यान रखना आपने तो 0 से स्टार्ट होगा 5 0 जा 0 और आपका यहाँ कुछ नहीं बचा अब स्टूडेंट पॉइंट है तो आपका पॉइंट यहाँ पर लगेगा एंड आप 3 को नीचे रिमाइंडर के रूप में उतार लोगे अभी भी देखोगे स्टूडेंट आपका 3 में 5 का डिवाइड नहीं होता जैसे 0 से नहीं होता है आपने टेबल पढ़नी है आप 0 से स्टार्ट करोगे ये आपको याद रखना है 5 0 जा 0 यानी आपका कितना बचा स्टूडेंट 3 बचा अभी भी नहीं डिवाइड होता है तो आपने 5 नीचे उतार दिया स्टूडेंट और आपने देखा 5 7 जा